भारत ऑस्ट्रेलिया साहित्य सेतु एवं थिएटर ऑन डिमांड के तत्वाधान में ऑस्ट्रियांचल के मीडिया संयोजन में एक अंतर्राष्ट्रीय कवि समागम व हिंदी पर विमर्श का आयोजन जूम पर किया गया, जिसमें अनेक देशों के कवि लेखकों विचारकों और भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय के अधिकारियों ने विश्व में हिंदी के प्रचार प्रसार के ऊपर अपने व्याख्यान प्रस्तुत किए एवं रचनाओं का पाठ किया। पद्मश्री लीलाधर जगूड़ी की अध्यक्षता में यह आयोजन 3 घंटे तक अनवरत चलता रहा। कार्यक्रम का आरंभ गहन चिंतन व लेखक प्रांजल धर ने रचना पाठ से किया। मुख्य अतिथि के रूप में विश्व रंग के प्रणेता संतोष चौबे ने अपने प्रभावी व्याख्यान में कहा कि हिंदी के प्रचार प्रसार की थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी हम सभी की व संस्थाओं की भी बनती है। हमें इसके लिए सरकार की मदद तो लेनी ही चाहिए, लेकिन सिर्फ सरकार ही हिंदी के प्रचार का कार्य कर सकती है। इस धारणा को बदलकर व्यक्तिगत रूप से भी प्रयास करना होगा, जिसे विश्व रंग पहले से ही कर रहा है। उन्होंने कहा कि हिंदी के प्रचार के लिए हमें सभी भाषाओं का सम्मान करना होगा, हिंदी के मानकीकरण के लिए काम करना होगा। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर बीना शर्मा ने केंद्रीय हिंदी संस्थान द्वारा हिंदी के लिए किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी दी और हरिओम जी की कविता एक बूंद पढ़ी। यूके से अस्तो जी ने प्रदेश में रहकर जब हम जड़ से कटने लगते हैं, पूर्व और पश्चिम में जब रास्ते बटने लगते हैं, कविता पाठ किया। मुंशी प्रेमचंद के पौत्र अनिल राय ने कहा कि उनको बचपन से हिंदी बहुत स्नेह रहा है। वे अपने दादाजी से बहुत प्रभावित रहे। ईदगाह, दो बैलों की कथा, बड़े भाई साहब और ठाकुर का कुआं कहानियों का उन्होंने खास उल्लेख किया। डॉक्टर शशि तिवारी ने अपने हृदय को प्रेम की तुला में तोले, मन में कोई जो गांठ हो तो उसको खोलिए, भारत में या कि वृक्ष में कहीं भी जाए आप हिंदी में हिंदी में हिंदी में बोलिए, रचना पढ़ी। टोरंटो से डॉक्टर गोपाल बघेल ने मेरी पृथ्वी पर कितने कृत्य हुए, कृष्ण क्या है, सभी के इष्ट हुए, रचना पढ़ी। भारत सरकार सांस्कृतिक मंत्रालय के राजभाषा निदेशक रमेश आर्य ने हिंदी के प्रचार प्रसार पर चर्चा की। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जो तमिल और तेलुगु आदि में साहित्य लिखा गया है उसे देवनागरी में अनुवाद करने का प्रयास किया जा रहा है। पत्रिका संस्कृति के बारे में विस्तार से बताया। ऑस्ट्रेलिया से विजय कुमार सिंह, मंद मधुर ये स्मित अंधरों पर, मृदुल मृदुल वाणी, स्वरा निस्तृत श्रवण सुने, ध्वनि शब्द मनोहर, श्वास में मधुमय अमृत, रचना का सुमधुर पाठ किया। चेन्नई से सुनील कश्यप ने हिंदी क्या है, एक भाषा है, एक गहन रचना का प्रभावी पाठ किया। ऑस्ट्रियांचल पत्रिका की संपादक डॉक्टर भावना कुंवर ने अपनी गजल कितने खंजर हमने खाए ये बता सकते नहीं, जख्म दिल के कितने गहरे हम दिखा सकते नहीं का रुचिकर पाठ किया। बलराम गुमस्ता ने हिंदी के प्रचार पर चर्चा करते हुए कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया साहित्य सेतु, भारत ध्वनि और ऑस्ट्रेलियांचल पत्रिका हिंदी के प्रचार में तन्मयता से संलग्न है। व्यक्तिगत रूप से जिस तरह से हिंदी को बढ़ावा दे रहे हैं वह सराहनीय प्रयास है। उन्होंने विश्व रंग की हिंदी के लिए की जा रही गतिविधियों से अवगत कराया। हरिओम जी की बाल कविताओं को बाल पुस्तक के खंडों में शामिल किया, ये बताया कि पटल पर उन पुस्तकों को प्रदर्शित कर सभी को दिखाया, कविता चंदा मामा दौड़े आओ का पाठ भी किया। कार्यक्रम अध्यक्ष पद्मश्री लीलाधर जगूड़ी ने देवनागरी लिपि को हिंदी कहा और उसे आगे बढ़ाने की बात कही। देवनागरी लिपि को संस्कृत और सभी शास्त्रों की लिपि बताया। उन्होंने कहा कि हिंदी एक बहुआयामी भाषा हो गई है। नए अनाज की खुशबू का पुल पार करके मैं तुम्हारे पास आऊंगा और दिन नहीं व्यक्ति उदास होता है एवं अन्य कविताओं का पाठ किया। प्रियंका अग्नोत्री ने मुक्तक सोच समझ और सपन की धारा बहता पानी हिंदी है, अपनों संग अपनों के तो कथा कहानी हिंदी है पढ़ा। ऑस्ट्रेलिया से प्रगीत कौर ने अपनी गजल वो हाथों में सूरज लेकर बैठा है, अंधियारे में दीपक लेकर बैठा है पाठ किया। प्रभास शर्मा ने हिंदी से हिंदी बनी रचना पढ़ी। मेलबर्न से डॉक्टर नीलम भटनागर ने हिंदी हमारी पहचान है, आन बान शान है, रचना पढ़ी। अंगिरा वत्स ने चांदी का ये गोल बड़ा सा सिक्का कल रात में आंगन में उतरा, रचना पढ़ी। डॉक्टर कांतारा ने लड़की पर लिखी एक प्रभावी रचना का पाठ किया। कवि अनिल कुमार शर्मा ने कैसे शुक्राना अदा करूं तुम्हारा, मेरी आंखों से लिखी प्रेम की पांडुलिपि अगर न जांची होती तुमने
तो मैं ये प्रेम ग्रंथ प्रकाशित ही नहीं कर पाता, एक गहन प्रेम रचना का पाठ किया। साहित्य संध्या मेलबर्न से सुभाष शर्मा, पटना से डॉक्टर विमल कुमार शर्मा वाइस चांसलर की उपस्थिति विशेष रही। अपर्णा बस से हरिओम जी की पौत्री आशा शर्मा का संदेश पढ़ा। आप सभी का हिंदी प्रेम हर वर्ष यूं ही बढ़ता रहे। हर वर्ष इस कार्यक्रम को और बड़ा बनाने का संकल्प लेकर आगे बढ़ाया जाए। और भारत ऑस्ट्रेलिया साहित्य सेतु थिएटर ऑन डिमांड ऑस्ट्रेलियन चल पत्रिका ने पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की स्मृति में दूसरा विश्व हिंदी दिवस जूम पर धूमधाम से आयोजित किया। इस आयोजन में अध्यक्ष के रूप में पद्मश्री लीलाधर जगूड़ी जी, मुख्य अतिथि के रूप में विश्वरंग के डायरेक्टर संतोष चौबे जी एवं भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय के निदेशक आर रमेश आर्या के अलावा देश विदेश के साहित्यकार उपस्थित हुए। कार्यक्रम में मुंशी प्रेमचंद जी के पौत्र अनिल राय जी ने अपनी उपस्थिति देकर इस प्रोग्राम को गरिमा प्रदान की। ये